फ्रेंड्स, आई एम रिचा। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद रिचा। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.4 ऑफ क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, क्या है ट्रू, क्या है फॉल्स, और ये फॉल्स है तो क्यों और ट्रू है तो क्यों, ये हमें स्टेटमेंट भी देना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। क्या आपके सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकते हैं? नो, दिस इज फॉल्स। बिकॉज ऑल, अगर पूछा जाता ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल, तो आपका आंसर क्या होता है? ट्रू, क्योंकि स्क्वायर क्या है, उसकी आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है और चारों साइड भी इक्वल होती है। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, उसकी क्या होनी चाहिए, अपोजिट साइड आर इक्वल। यानी कि स्क्वायर तो उसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, बट वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका फॉल्स। ओके, स्टेटमेंट इसका क्या है कि इसकी अपोजिट साइड आर इक्वल होती है, बट इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, आपका ये तो इसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर देगा, पर ये इसकी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। ओके, और रोम्बस आर पैरेललोग्राम। सारे के सारे रोम्बस आपके पैरेललोग्राम होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या है, और जो इसकी डायगोनल होती है वो भी बाइसेक्ट करते हैं, तो उसमें क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, और उसकी जो डायगोनल है वो भी आपस में बाइसेक्ट करती है। ओके, जब ऑल साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल होगी, इसीलिए ये पैरेललोग्राम भी होगा। नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। अभी अभी मैंने बताया था स्क्वायर आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, बट रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होगा, और आपका स्क्वायर क्या है, रोम्बस भी हो सकता है। ये क्या है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ट्रू क्यों है, रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। इसमें क्या होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, इसके भी ऑल एंगल्स आर इक्वल होते हैं, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो इसमें भी अपोजिट साइड आपकी इक्वल होती है। जब सारे होते हैं तो अपोजिट भी होगी, है ना। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम, इसमें कह रहा है कि सारे सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होते, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों? क्योंकि आपके जो भी स्क्वायर है वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, और इसमें नॉट बोला इसलिए आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ऑल काइट्स आर रोम्बस, जितनी भी सारी आपकी काइट है सब रोम्बस होती है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि काइट क्या होता है, उसमें ऑल साइड इक्वल नहीं हो सकती हैं। वो मतलब अगर आपका पूछा है ऑल काइट्स आर इक्वल, इस काइट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी डायगोनल तो बाइसेक्ट करती है, ठीक है, बट इसके जो साइड्स हैं वो इक्वल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, बट ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये आपका बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि देखो रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करती है, इसमें एक डायगोनल बाइसेक्ट करती है, यानी कि एक प्रॉपर्टी इसकी ये फॉलो कर रहा है रोम्बस। ठीक है, और अपोजिट एंगल इक्वल होता है इसमें एक, इसमें दो में अपोजिट एंगल इक्वल है ना, इसीलिए आपका ऑल काइट्स रोम्बस नहीं होता है, बट ऑल रोम्बस आपका काइट होता है, ये मान लीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट है, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी आपके जो पैरेललोग्राम्स हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं। और पैरेललोग्राम्स क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट साइड में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इसकी क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी कि ये इस जो पैरेललोग्राम है ये इसकी ये वाली प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि जो इसका बेस है वन पेयर है, वो वन पेयर इसमें भी तो इंक्लूड होगा, है ना, वो पैरेलल होता है पैरेललोग्राम में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, जितने भी आपके सारे स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, सारे के सारे स्क्वायर नहीं हो सकते ट्रेपेजियम। ठीक है, नहीं, ये भी आपका ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्क्वायर ट्रेपेजियम कैसे होता है, इस तरीके से होता है, स्क्वायर कैसे होता है, ऐसे होता है, इसमें क्या है, अपोजिट साइड पैरेलल होती है ना, तो इसमें भी तो हो रही है पैरेलल। अगर पूछा जाए तो ऑड ट्रेपेजियम आर स्क्वायर, तो रॉन्ग होता है, समझना वो सब हो। इसमें पूछा ऑड स्क्वायर आर ट्रेपेजियम, अगर इधर वाला इस वाले की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, इसको राइट डाउन करिए। Now, let's become to the question number 2.
identify all the quadrilaterals that है. उसमें इसका first part है four sides of equal length. इसमें आपको बताना है कि आप ऐसा quadrilateral जिसकी चारों side क्या हो equal length की हो. तो आपका क्या होता है square होता है और rhombus होता है. तो उसका answer हो जाएगा square and rhombus. ठीक है, जैसे होता है आपका स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है, फोर साइड्स आर इक्वल. एंड रोमबस कैसे होता है, इसमें बस एंगल 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें 90 डिग्री का होता है, इतना डिफरेंस होता है एंगल में, ठीक है, बट इसमें भी ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ओके, नेक्स्ट है फोर राइट एंगल्स, मतलब ऐसे उठाना है जिसमें चारों चारों एंगल आपके क्या हो राइट हो. तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, एक तो आपका स्क्वायर है, स्क्वायर एंड नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा रेक्टेंगल. ओके, स्क्वायर सॉरी ये क्या है, चारों साइड चारों एंगल्स के क्या है इक्वल है. एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे होता है इस तरीके से, ठीक है, ये सारे क्या है 90 डिग्री की इक्वल के साथ साथ 90 डिग्री के. ओके, क्वेश्चन नंबर ये पे क्वेश्चन नंबर टू ये पे फिनिश होता है आज के लिए. इतना ही, थैंक यू.